यार मैं नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी अंदर से मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा कि यार मैं इस पर क्यों बात ना करूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स पर हो रही कंट्रोवर्सी पर। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आवाज। तो इस भाई साहब ने बचपन में गुड़िया और गुड्डे का खेल बहुत खेला है। इसने उनकी शादी इतनी बार कराई कि इसको ऐसा लगता है कि जवान होने के बाद भी लड़के और लड़कियां को ये फोर्स करेगा तो ये लोग शादी कर लेंगे, या उनको चूतिया बनाएगा तो ये लोग शादी कर लेंगे। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता मेरा भाई। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बीबीसी वालों ने जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडित से जाकर खुद इंटरव्यू लिया है, खुद उनसे पूछा है कि भाई द कश्मीर फाइल्स मूवी में कितना सच बताया कितना झूठ बताया, और आपको ये पर्टिकुलर मूवी कैसी लगी? जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टाइम है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। बेशक सही है कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जब मस्जिदों में हो गई आवाज निजामे मुस्तफ़ा, ए काफिर हो जालिमों कश्मीर हमारा छोड़ दो, वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी यही हार बनेंगे। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरी। जो फिल्म बनाई गई है ये एकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए, इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एकतरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। क्योंकि यार मैंने कितनी बार बोला है आपको कि इस पर्टिकुलर मूवी में एक साइड का बताया है, और अब तो ये कश्मीरी पंडित खुद बोल रहे हैं कि जब वो जेनोसाइड हुआ था तो वहां पर कश्मीरी पंडित के साथ साथ मुस्लिम और सिख ये लोगों की भी मौत हुई थी, और जितने भी कश्मीरी मुस्लिम थे उनमें से ज्यादातर तो भाई कश्मीरी पंडित को सपोर्ट ही कर रहे थे, वो जो मिलिटेंट्स थे वो सब पाकिस्तान से आए थे। तो यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर मूवी में जो एक साइड का बताया ना, उस पर मैंने भी बात किया था, और अब तो कश्मीरी पंडितों ने खुद ये बता दिया है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है आने वाले इलेक्शंस के लिए। मेरे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है, ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है, और आज भी वही हो रहा है। जितने भी थिएटर्स में जो जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग अच्छे होंगे, अच्छी सोच लेकर जा रहे हैं, जिनको किसी की तकलीफ का एहसास है, लेकिन उनमें से जो कुछ लोग हैं ना, वो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना कि वो कुछ नेताओं के गुंडे रहते हैं जो पत्थर फेंकने लगते, तो पुलिस वालों को लगता है कि आम पब्लिक भी फेंक रही है, एक्चुअली वो नेताओं के गुंडे रहते। तो ये जो कुछ थिएटर्स में जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये कोई नहीं बल्कि ये सो कॉल्ड वही लोग हैं जो समझ लो हमारे देश में अशांति लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमेशा से मिलजुल कर साथ में रहे, और आने वाले कल में भी मिलजुल कर साथ में रहेंगे। ये भी वक्त है, आंखें खोलो और जो चीज़ सही है उसको सपोर्ट करो। जो कोई भी कम्युनिटी में किसी की भी डेथ हो, मरता एक आम इंसान है, एक इंसानियत का ही खून होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहे इस वीडियो में, टिल देन बाय।